गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रैट ट्रैप। इस चैप्टर की राइटर कौन है? सेल्मा लागरलॉफ। तो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की कहानी में हम पढ़ने वाले हैं गाइस एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में। एक जमाने की बात है, एक रैट ट्रैप सेलर था। रैट ट्रैप पता है ना आपको, चूहेदानी जो होती है जिसमें हम चूहा पकड़ते हैं घर में रोटी लगा के, और बाहर के देश वाले चीज लगाते हैं उसे पकड़ने के लिए। हाँ, तो ये जो आदमी है हमारा, ये रैट ट्रैप बनाता है, ठीक है, और रैट ट्रैप बना के बेचता है। अब रैट ट्रैप बनाने के लिए जो तार चाहिए होती है, ठीक है, लोहे से बनता है ना, तो वो लोहे की जो तार चाहिए होती है, तो ये वो पता है कहाँ से इकट्ठी करता है? कोई बड़ी बड़ी फार्म जो होती है वहाँ से जाके मांग लेता है, किसी स्टोर से जाके ना बैग कर लेता है कि मुझे कुछ तारे दे दो, और उससे अपने जो है रैट ट्रैप बना के बेचता है। बट ये बिजनेस भी उसका इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, उससे भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाता। तो कभी कभी इस बेचारे को भीख भी मांगनी पड़ती है, और कभी कभी इसे चोरी भी करनी पड़ती है टू कीप हिज सोल एंड बॉडी टुगेदर। सोल एंड बॉडी टुगेदर समझ गए ना, मतलब कि अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कभी कभी इसे भीख भी मांगनी पड़ती है, चोरी भी करनी पड़ती है, छोटी मोटी चोरियां। और वैसे क्या करता है, ये रैट ट्रैप बना के बेचता है, ठीक है। इसकी लाइफ गाइस बहुत ही सैड और मोनोटोनस है, यानी कि बहुत ही दुख भरी है, मतलब कि बिल्कुल अकेला इसी सड़कों पे घूमता रहता है, कोई अपना नहीं है इसका, बहुत मोनोटोनस लाइफ है। बहुत ही एक्सप्लेन करा गया है, बहुत ही पतला सा है, चीक्स बिल्कुल संक हो रखे हैं, और इसकी आंखों में हंगर दिखाई देती है, भूख दिखाई देती है इस रैट ट्रैप सेलर की आंखों के अंदर। तो एक दिन ऐसे ही ये जा रहा होता है, घूम रहा होता है, तो इसके दिमाग में ना एक बात आ जाती है, समझ गए, सैड लाइफ है अपनी अपनी, मेडिटेशन में अकेले ऐसे घूमता रहता है। तो इसके दिमाग में एक बात आती है कि ये जैसे चूहे के पिंजरे मैं बनाता हूँ ना चूहे को पकड़ने के लिए, वैसे ही ये जो पूरी दुनिया है ना, ये भी एक क्या है, ये भी एक रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप समझ रहे, चूहेदानी, ये पूरी दुनिया भी चूहेदानी है। जैसे वो जो चूहेदान में हम वो लगाते हैं ना रोटी या पोर्क लगाते हैं और चीज़ लगाते हैं बाहर के देश के लोग, तो जैसे वो लगाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए, चूहा बंद हो जाता है उसके अंदर, चूहा पड़ा पहली लालच में आता है कि अरे रोटी मिलेगी, बट फिर उसके लिए वो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है उस पिंजरे में। वैसे ये सोचता है कि ये पूरी दुनिया भी ना क्या है, रैट ट्रैप है। ये बड़े बड़ी हमारी विलेजेस हो गए और शहर हो गए, ये जितनी बिल्डिंग्स है ये सब क्या है, रैट ट्रैप है। और ये हमें क्या ऑफर करती हैं, जैसे चूहे को क्या मिल रहा है, चूहे को रोटी मिल रही है, चीज़ मिल रहा है, पोक मिल रहा है। लेसन में चीज़ एंड पोक लिखा है, हम इंडियंस, हम लोग जो है रोटी लगाते हैं ना, तो वो कह रहा है कि जैसे उनको चीज़ मिलता है ना, हमें क्या मिलते हैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में, हमें मिलती है रिचेस, जॉयस, शेल्टर, और क्या, अब जैसे हम लोगों की डिज़ायर्स होती हैं कि अच्छा हमें ये चाहिए, लग्जूरियस लाइफ, ये सब चीज़ें हमें वर्ल्ड ऑफर करता है। जैसे ही किसी को वो मिलती है वहीं उसके ऊपर वो शट हो जाती है। तो ऐसी ये जो इसकी थिंकिंग है ना, ये क्यों डेवलप होती है, क्योंकि दुनिया कभी इसके साथ काइंड नहीं थी। ये बेचारा हमेशा अकेला ऐसे घूमता रहता था, कभी किसी ने इसका साथ नहीं दिया, तो ये सब सोच के ना उसे एक अनयूजुअल सा जॉय मिलता था, कि और पुरानी बातें अपनी सोचता था कि मेरे साथ जो मेरे एक्विंटेंसेस थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, ये सब सोचता रहता था वो जब ऐसे ही अपना चलता रहता था। तो क्या फिलॉसफी थी हमारे इस रैट ट्रैप सेलर की, क्या कि भैया ये पूरी दुनिया भी क्या है, एक रैट ट्रैप है। जैसे चूहा भागता है किसके पीछे, चीज़ के पीछे, वैसे ही पूरी दुनिया जो है अमीरी के लिए, पैसे के लिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भागती रहती है। अब एक दिन क्या होता है, बहुत काली शाम होती है, यानी कि बहुत अंधेरा हो रखा था शाम को, ये क्या करता है, एक दरवाजे पर जो है नॉक करता है, ठीक है, एक घर होता है वहाँ जाके नॉक करता है, क्योंकि गाइस ये ऐसी सड़क पे घूम रहा होता है, तो ये शेल्टर लेने के लिए वहाँ पे नॉक करता है। ओके, तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। अब हमेशा क्या होता है, जब ये किसी के घर पे नॉक करता है, सब इसे ऐसे सार फेस दिखाते हैं कि अरे जाओ, नहीं रखेंगे हम तुम्हें अपने घर पे, ठीक है। बट अब की बार बड़ा अलग होता है, ये बूढ़ा आदमी ना बहुत खुश होता है और इसको अपने घर में बुला लेता है। बूढ़े आदमी का नाम क्या है, क्रॉफ्टर बोला गया है उसको बुक में, क्रॉफ्टर, ठीक है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे घर में बुला लेता है, एंड एक्चुअली बूढ़ा आदमी क्यों बुलाता है उसको, क्योंकि वो अकेला था, उसकी वाइफ नहीं थी, ना ही उसके बच्चे थे, तो देखा ना आपने, वो अकेलेपन था उसको भी बहुत। तो वो क्या करता है, वो जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है उसको अपने घर बुला लेता है, एंड इवन सिर्फ घर रुकने ही नहीं देता, उसको बहुत अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी करता है। जैसे ही वो उसको घर बुलाता है, पहले सबसे पहले उसके लिए दलिया रखता है बनाने के लिए, पॉरेज होता है क्या, दलिया चढ़ा देता है उसके लिए बनाने के लिए। उसके बाद क्या करता है, टोबैको का एक रोल लेता है, टोबैको तंबाकू का एक रोल लेता है, उसे कट करता है दोनों, और वो बैठ के अपने पाइप में डाल के पीनी शुरू कर देते हैं, टोबैको स्मोक करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इतने अच्छे से उसको मेहमान नवाजी उसकी वो करता है, और उसके साथ फिर क्या करता है, एक अपना ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स लेके आता है, ताश के पत्ते लाता है पुराने, और बैठ के वो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है मिजोलिस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करता है क्रॉफ्टर हमारा किसको, हमारे रैट ट्रैप सेलर को। उसको आज तक कभी किसी ने ऐसा ट्रीट नहीं करा था इतनी अच्छे तरीके से, उसको कभी किसी ने ऐसे मेहमान नवाजी उसकी नहीं करी थी, और इतना ज़्यादा वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाता है हमारा क्रॉफ्टर, वो जो बूढ़ा आदमी था, उसको अपनी लाइफ की बातें बताने लगते हैं। जैसे दो लोग आपस में बैठ के बताते हैं ना, अरे मैंने पहले ज़माने में ये करा, अब मेरा ऐसे, तो ऐसे ही वो बूढ़ा आदमी क्रॉफ्टर अपने बारे में रैट ट्रैप सेलर को बताता है, कहता है कि तुम्हें पता है मैं पहले ज़माने में ना, मैं कहाँ काम करता था, मैं रैम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था, मैं एक क्रॉफ्टर था वहाँ पे, तभी उसका नाम क्या है, द क्रॉफ्टर।
रैम्स जो आयरन वर्क से, जैसे एक आयरन मिल है वहाँ पे काम करता था, बट अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, वहाँ बहुत लेबर लगती है ना लोहे वाली जगह पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं घर कैसे चलाता हूँ, पैसे कैसे कमाता हूँ, घर चलाने के लिए मैं पैसे कमाता हूँ, मेरी एक गाय है, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है मेरी। मेरी वो जो गाय है बहुत सारा दूध देती है, और इतना ज़्यादा दूध देती है कि मुझे उससे बहुत प्रॉफिट होता है। कहता है पता है मैंने अभी कभी मेरी दूध, गाय का जो दूध है, बेच के कितने पैसे कमाए हैं? 30 करोनर। और 30 करोनर सुन के हमारे डॉक्टर आपको थोड़ा सा यकीन नहीं होता है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट लगी उसको कि अच्छा भैया इसकी जो गाय है इतना अच्छा मतलब कि दूध दे देती है कि ये कह रहा है 30 को, उसे लगता है कि वो फेंक रहा है, ऐसे नहीं कमाए होंगे 30 करोनर इसने। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, बेसिकली उसको क्रॉफ्टर को भी लगता है कि इसे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि इसने, मैंने 30 करोनर अपनी गाय के दूध को जो है सेल करके कमाए हैं। तो वो जाता है अपने एक विंडो के पास में, वहाँ पे एक पाउच लटका होता है लेदर का, उसमें से जो है नोट निकालता है, 3 नोट होते हैं 10-10 के, समझ गया ना, 30 तो करोनर वहाँ की करेंसी है ये स्वीडन की। तो ये 3 नोट निकालता है 10-10 के, बड़े रिंकल्ड से हो रखे होते हैं पाउच में, निकाल के उसे दिखाता है कि भाई देख ले झूठ नहीं बोल रहा मैंने, ये अपनी मेरी गाय जो है बहुत प्रॉफिटेबल है, इसका जो मिल्क है वो सेल करके मैंने कमाए हैं। वापस डालता है उसको और जो है दोनों सो जाते हैं, रात हो जाती है। अब सुबह जो है हमारा क्रॉफ्टर उठ जाता है गाय को जो है अपना दूध निकालने जाने के लिए। तो वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो सोचता है अरे भैया मैं क्यों मेहमान हूँ इनके घर में, मैं क्यों सोऊँ, मेरे को भी अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। तो दोनों जो है एक दूसरे को बाय करके निकल पड़ते हैं। क्रॉफ्टर दूध निकालने चला जाता है गाय का और रैट ट्रैप सेलर भी चला जाता है। बस थोड़ी ही देर होती है कि रैट ट्रैप सेलर क्या करता है गाइस, थोड़ा मैं आपको स्लाइड्स ओपन कर दी जाती हूँ जिससे आप ये रीड भी कर सको, ठीक है। तो हम आ गए हैं इस स्लाइड पे, ठीक है। तो जो है हमारा रैट ट्रैप सेलर थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। क्या करता है रैट ट्रैप सेलर वापस आके, वो क्रॉफ्टर के घर पे दोबारा नहीं जाता है, सीधा खिड़की पे जाता है ऊपर, ठीक है। और वो खिड़की को तोड़ता है, वो जो पाउच लटका हुआ था जिसमें पैसे थे, पैसे दे देता है, जेब में डालता है और निकल पड़ता है। यानी कि उसने चोरी कर ली, और चोरी करके अपने को बहुत स्मार्ट समझता है, अरे भैया मैंने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया है। और धीरे धीरे फिर उसे लगने लगता है अरे मैंने चोरी करी, अगर मैं फॉरेस्ट का रास्ता मैं अगर रोड वाला रास्ता लूँगा ना, सड़क से अगर जाऊँगा तो शायद मुझे पुलिस पकड़ ले, तो मैं काम करता हूँ मैं ना फॉरेस्ट में से चला जाता हूँ। सिंपल, जैसे चोर चोरी करने के बाद थोड़ा तो घबराता है ना कि अरे पब्लिक हाईवे से अगर जाऊँगा तो पता चले पुलिस पकड़ ले मेरे को, मेरी चेकिंग हो जाए, तो इससे अच्छा है मैं जंगल में से जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो वो जंगल में से जाता है। अब बड़ी अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, बहुत ठंड का दिन था, दिसंबर का टाइम है, ठीक है। दिसंबर में बाहर के देश में स्वीडन में कितनी ठंड होगी सोच लो आप, ठीक है। बहुत ठंड का दिन था, रैट ट्रैप सेलर हमारा कहाँ फॉरेस्ट में जा रहा था। धीरे धीरे वो फॉरेस्ट एक भूल भुलैया बन जाते हैं, खो जाता है वो उस फॉरेस्ट में। बहुत ज़्यादा ठंड, और जो रैट ट्रैप सेलर है अब थक जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है उस फॉरेस्ट में गोल गोल घूम घूम के। उसे लगता है कि ये फॉरेस्ट कैसा बन गया भूल भुलैया, जो फॉरेस्ट की ट्रंक्स वगैरह है ना, जो पेड़ वेड़ हो गए, उसे लगता है इन्होंने कुछ जाल बिछा दिए मेरे लिए, मेरे को यहीं यहीं घुमाए जा रहे हो। और थका हारा ज़मीन पर बैठते और सोचता है कि अरे मैं तो फंस गया। वो जो मेरी फिलॉसफी थी ना कि पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है और हम पैसे के लिए और रिजेस के लिए भागते रहते हैं, मैं तो खुद ही अपने इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। वो तो 30 करोनर थे, वो मेरी बेट थी, जैसे चूहे को चीज़ मिलता है, मैंने अब वो चुरा लिया है, अब तो मेरा एंड नहीं आ रहा है भैया, मैं भी अब फंस चुका हूँ इस रैट ट्रैप के अंदर। वो इतना ज़्यादा डिजेक्टेड हो जाता है, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, बिल्कुल उसको ना एनर्जी ही नहीं होती है, उसमें बहुत थक जाता है और उसको ऐसा लगता है उसका एंड नियर है, क्योंकि इतनी ठंड का मौसम, उसके बहुत ज़्यादा ठंड थी, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं थी, और उसे समझ में आ जाता है कि अब वो फंस चुका है इस रैट ट्रैप में। तो वो थका हारा अपना सर रखता है ज़मीन पे, ठीक है। और जैसे ही वो ज़मीन पे जो है अपना सर रखता है, तो उसे हथौड़ों की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर ज़ोर के हथौड़े चलने की आवाज़ आती है। तो उसको एक रे ऑफ होप मिलती है, उसको समझ में आता है वो हथौड़ों की आवाज़ कहाँ से होती है, पास में वो क्या थी, एक आयरन मिल थी, वही आयरन मिल जिसमें हमारा पहले क्रॉफ्टर काम करता था ना, वहाँ पास में एक आयरन मिल थी। और ये जो देखो आयरन मिल होती है उनमें बहुत देर तक काम होता रहता है, ठीक है। तो उसे आवाज़ आती है, अच्छा आयरन मिल है आसपास में। वो समझ जाता है कि अगर वो उस आयरन मिल में जाएगा, आयरन मिल में क्या होता है लोहा पिघल रहा होता है, तो वहाँ बड़ी बड़ी आग जल रही होती है, भट्टी जल रही होती है, और वहाँ काम चल रहा होता है। उसे समझ में आता है कि अगर मैं आयरन मिल में चला गया तो वहाँ पर जाके जो है हीट एक्सेस कर सकता है, वो वहाँ जाके आराम से सो सकता है, वहाँ ठंड नहीं होगी। तो वो अपनी स्ट्रेंथ सारी गैदर करता है, उसमें हिम्मत नहीं होती है, बट वो सारी अपनी स्ट्रेंथ जो है गैदर करता है और वो वहाँ चला जाता है, कहाँ, आयरन मिल के अंदर, ठीक है। रैम्स जो आयरन वर्क्स, वहाँ की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करी गई है। रैम्स जो आयरन वर्क्स में वहाँ का जो मास्टर स्मिथ था, यानी कि जो सबसे बड़े उस्ताद थे ना वो लोहा वाली मिल के, वो अपना काम कर रहे थे, वहाँ इतनी आवाज़ हो रही थी कि लोहा पिघल रहा है, बड़े बड़े फ़ैन लगे होते आयरन मिल्स में, वो चल रहे थे, तो बहुत काम हो रहा था। तो इसलिए जो हमारे
हमारे रैट ट्रैप सेलर जब घुस जाता है ना वहाँ आयरन मिल के अंदर, तो हमारे जो वो उस्ताद होते हैं उनको पता भी नहीं चलता है, मेन जो हमारे वहाँ के आयरन मिल के जो काम कर रहे थे वहाँ पे, उन्हें सुनाई नहीं देता कि अच्छा कोई अंदर आ गया है, बस उन्हें एकदम से दिखता है जब रैट ट्रैप सेलर ऐसे वहाँ फर्नेस के आगे आके जो है हीट लेने लगता है, तो तब उन्हें समझ में आता है अच्छा कोई आ गया है, तो वो उससे पूछता है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, तो वो जो मास्टर स्मिथ था वो बहुत हॉटी कंसर्न में यानी कि बहुत इंडिफरेंट तरीके से उसे परमिशन दे देता है कि हाँ रुक जाओ। अब मास्टर स्मिथ के लिए बहुत यूजुअल था क्योंकि कई बार लोग ऐसे जो हैं गरीब लोग परेशान लोग रात को इतनी ठंड होती थी तो उनके यहाँ आ जाते थे हीट एरिया में सोने के लिए, ठीक है, तो वो भी एकदम से कोई सिंपथी नहीं दिखाता कि अरे भाई साहब क्या हुआ आपको, नहीं, उसको कहता है बस ठीक है रुक जाओ। और वो जो है हमारा रैट ट्रैप सेलर, उसको भी कोई ऐसा कुछ दोस्ती नहीं करनी थी हमारे इनसे जो मास्टर स्मिथ थे, वो जाके सो जाता है अपना, क्या करता है एक अपनी लेट जाता है और अपने मुँह पे हैट रख के आराम से सो जाता है। ओके, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, उस जो आयरन मिल थी ना उसका ओनर, उनको डिस्क्राइब करा गया बड़े, वो कैसे इंसान थे, उनको ना फाइन क्वालिटी आयरन बनाने का शौक था कि भैया मेरी मिल से ना बढ़िया आयरन बनना चाहिए, पूरे देश में सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन भेजना चाहिए, तो उसके लिए वो इंस्पेक्शन पे आते थे। अब तुम्हें कोई काम बहुत अच्छे से करवाना है तो वर्कर्स को इंस्पेक्ट करते रहना पड़ेगा कि सब काम सही से कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। अब ये जो आयरन मास्टर जैसे ही अपनी आयरन मिल में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है, जब वो चेकिंग करने के लिए आते हैं उन्हें दिख जाता है हमारा ट्रैम, ठीक है, उन्हें दिखता है कि अच्छा वहाँ फर्नीस के पास में, और उन्हें दिखता क्यों है क्योंकि देखो वो जो ट्रैम था ना उसके कपड़े गीले थे, और जैसे कि सर्दी में बाहर आपने देखा है कि हमारे कपड़ों में थोड़ी सी मॉइस्चर आ जाता है, तो उसके कपड़े गीले थे और वो फर्नीस के पास लेटा हुआ था हमारा ट्रैम, तो उसके जो कपड़े थे उनमें से इवेपोरेशन हो रहा था, स्टीम्स बाहर आ रही थी, तो गीली चीज़ को अगर आप जो है गीले कपड़ों में, वो आग के पास में लेटा हुआ था तो इवेपोरेशन की वजह से जो थी थोड़ी थोड़ी उसके उसमें से स्टीम्स निकल रही थी, तो हमारे आयरन मास्टर का ध्यान पड़ जाता है अरे ये कौन है। तो अब यहाँ पर आप देखो आयरन मास्टर थोड़े डिफरेंट थे किससे, हमारे जो हमारा आयरन स्मिथ था जो वहाँ का उस्ताद था, उसने तो बिल्कुल ऐसे ही उसे कहा हाँ ठीक है जाके सो जाओ, उसने उसको कुछ ऐसा पूछा नहीं कि कैसे हो तुम क्या हो, बट जो आयरन मास्टर हैं वो थोड़े डिफरेंट थे, वो उन्होंने देखा कि अरे कौन है जरा जाके देखूँ, तो वो डिफरेंट थे, तो वो जाते हैं वहाँ पे और वो जो हैड रख के अपने मुँह पे सोया होता है हमारा ट्रैम्प, ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले अभी तक रैट ट्रैप सेलर बोल रहे थे हमारे इसको, बट अब क्या बोलेंगे ट्रैम्प बोलेंगे, तो वो उसके मुँह पे से हटाते हैं हैट और एकदम से कहते हैं निल्स ओलफ। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आयरन मास्टर होते हैं इन्हें लगता है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो कौन है, वो उनका कोई पुराना दोस्त है, उनके आर्मी वाले टाइम का कोई दोस्त है उनका, कौन, निल्स ओलफ। तो वो कहते हैं निल्स ओलफ, तो बेसिकली हमारे आयरन मास्टर को तो लगा कि ये उनका कोई पुराना दोस्त है। अब रैट ट्रैप सेलर ट्रैम्प चुप रहता है, ये नहीं कहता नहीं भाई मैं निल्स ओलफ नहीं हूँ, क्यों, उसके मन में देखो वो बहुत गरीब था, उसके मन में लगता है अरे ये मुझे अपना कोई पुराना जान पहचान वाला मान लिया तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे, ठीक है, तो वो कहते हैं अरे निल्स ओलफ ये क्या हो गया, अरे तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो गया, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद यू, तुम्हें ना आर्मी से वो नहीं लेना चाहिए था रिटायरमेंट, तुमने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया, देखो आज तुम ऐसा नहीं रहने दूंगा मैं तुम्हारे को, चलो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। तो भैया ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था हमारे रैट ट्रैप सेलर ने, उसे तो लगा था अच्छा ये मुझे कुछ अपने जान पहचान का मान गए हैं तो मुझे कुछ पैसे देंगे चले जाएंगे, वो क्या कहते हैं कि चलो मेरे घर चलो, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊँगा, तो वो कहते हैं अरे तुम शर्माओ मत, आयरन मास्टर को क्या लगता है अरे मेरा दोस्त है ना शर्मा रहा है अपनी इस हालत की वजह से कि वो बिल्कुल ट्रैम्प में स्टाइल है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और ये ऐसे ऐसे कपड़े, तो वो शर्मा रहा है, वो कहता है अरे शर्माने की कोई बात नहीं है चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, क्रिसमस है क्रिसमस पे मेरे साथ ही आगे डिनर करना, मेरी वाइफ एलिजाबेथ जो है वो भी अब नहीं रही है, लड़के मेरे अब्रॉड पढ़ने गए हैं, बस मेरी बेटी एलिजाबेथ है घर पे, क्रिसमस है कल चलो हमें कंपनी दो चलो चलो मेरे साथ चलो। बट रैट ट्रैप सेलर कहता है नहीं भैया मैं क्यों लायन डेन में जाऊँ, यानी कि मैं अभी वैसे ही वहाँ क्रॉफ्टर के यहाँ से पैसे चुरा के लाऊँ, मैं क्यों इनके साथ जाऊँ, कहीं मैं पकड़ा गया, तो वो बिल्कुल मना कर देता है किसको, आयरन मास्टर को। अब आयरन मास्टर भी गिव अप कर देते हैं, उन्हें लगता है उनका दोस्त नहीं मान रहा, वो वापस मुड़ते हैं, ठीक है, जा रहे होते हैं और अपने ब्लैक स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ कौन है उसका नाम अब रिवील करा गया जर्न स्टॉर्म, ठीक है, तो ब्लैक स्मिथ को कहते हैं कि भैया आप जो हमारे कैप्टन हैं आज तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं, और जाते हुए हल्का सा हंसते हैं, तो बेसिकली उस लाफ का मीनिंग क्या है कि अभी भी उनके माइंड में एक प्लान है, ठीक है। तो अब थोड़ी देर ही बीतती है कि थोड़ी देर बाद एक कैरेज आती है बाहर, ठीक है, उस कैरेज में कौन आई होती है, जो आयरन मास्टर है उनकी बेटी आई होती है जिसका नाम है एडला, ठीक है, तो वो बेसिकली अपनी बेटी को भेज देते हैं किसको मनाने के लिए, रैट ट्रैप सेलर को मनाने के लिए कि वो क्रिसमस के लिए उनके यहाँ पे आ जाए। अब एडला भी जाती है, ठीक है, वो भी रैट ट्रैप सेलर के पास जाके उसकी जो है हैट हटाती है, उसके मुँह पे जो उसने कैप रखी होती है वो एकदम से ऐसे उठ जाता है, तो ऐसा बोला गया कि वो एक आँख खोल के सोता था, क्यों, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो ये सड़कों पर रहते हैं तो ये बहुत अलर्ट रहते हैं हर समय, ठीक है, तो वो जैसे ही उसके सर पे से हैट हटाती है वो अलर्ट हो जाता है। और अब एडला उनको कहती है कि मेरे फादर ने कहा है कि आप आइए हमारे साथ डिनर करने और आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, ठीक है, और एडला गाइस इतनी समझदार है कि
उसको ना डर दिख जाता है हमारे रैट ऑफ सेलर की आंखों में, वो समझ जाती है कि ये डरे हुए हैं, ये हमारे साथ इसलिए नहीं आना चाहे, शायद इन्होंने कोई चोरी करी है या ये कोई जेल वेल तोड़ के आए हैं, जेल से भाग के आए हैं मिंटू से। तो एडला बहुत ज़्यादा समझदार और कंपैशनेट लड़की है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप और अच्छे से समझोगे। तो वो समझ जाती है कि ये जो मेरे फादर के दोस्त हैं इन्होंने कुछ चोरी करी है या कुछ जेल वेल से भाग के आए इसलिए ये डर रहे हैं हमारे साथ आने को। तो वो नहीं, ये भी कहती है देखो आप जैसे हमारे साथ जाएंगे डिनर करेंगे हमारे साथ क्रिसमस पे रहेंगे वैसे ही यू आर फ्री टू गो, आप हमारे घर से वापस जा सकते हैं। यानी कि वो उन्हें अश्योर कर देती है कि तुम हमारे घर जाओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे, तुम्हें कोई पुलिस में नहीं डलवाएगा, अश्योर भी कर देती है। अब इतने फ्रेंडली मैनर में इनवाइट करती है हमारे रैट ट्रैप पेडलर को कि वो भी मान जाता है। तो गाइस थ्रू आउट द चैप्टर बहुत सारे नामों से जो है हमारे रैट ट्रैप सेलर को बुलाया गया, कभी रैट ट्रैप सेलर, कभी ट्रैम, कभी रैट ट्रैप पेडलर, कभी स्ट्रेंजर, ठीक है, तो अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाएगा। तो रैट ट्रैप पेडलर को इतने प्यार से एडला बुलाती है तो वो मना नहीं कर पाते और वो उसके साथ चले जाते हैं, ठीक है। वो उनका फर कोट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि वही उसके रैग्स वाले क्लोथ्स थे उसके ऊपर जो है ठंड से बचने के लिए उसको फर कोट दे देते हैं और वो फर कोट पहनता है और कैरेज में बैठ के जो है चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो ऊपर जा रहे होते हैं घर पर उनके, हमारे आयरन मास्टर के घर पे बहुत बड़ा सा घर होता है उनका, उसको फिर अपने मन में जो है ईविल फोरबिडिंग्स होती है। जैसे आपको पता है कुछ गलत होने वाला तो उससे पहले हमारे को ऐसा कुछ फील हो जाता है कभी कभी कि कुछ गलत होने वाला है, तो वैसे ही उसे ईविल फोरबिडिंग्स होती है कि अरे मैं फंसने वाला हूँ रैट ट्रैप में। उसे फिर से ऐसा लगता है कि मैंने पैसे भी चुराए हैं और अब मैंने फिर से एक झूठ बोल दिया, मैंने नहीं बताया कि मैं कैप्टन वैप्टन नहीं हूँ, मैं तो एक ऐसी रैट ट्रैप सेलर हूँ, तो उसको अंदर से फील होता है। बट फिर भी वो समय पे कुछ नहीं करता है, वो वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। अब वो घर पे चले जाते हैं, अगले दिन होता है सुबह सुबह, तो वो जो एडला है अपने फादर से बात करती है, कहती है कि मेरे को इन्हें देख के लग नहीं रहा है, ये जो आपके फ्रेंड हैं इन्हें देख के नहीं लग रहा है कि ये कभी कोई एजुकेटेड मैन थे। तो बेसिकली एडला को ना कुछ शक तो लगता है, उसे पहले भी लगता है कि जेल वेल से आए हैं या कुछ है, उसको लगता है कि ये जो है मुझे कहीं से एजुकेटेड नहीं लग रहे हैं, मेरे फादर कह रहे हैं कि ये सोल्जर थे। कहती है ऐसा क्या हो गया, रिटायरमेंट ही तो मिली थी उनको वहाँ आर्मी से, ऐसा क्या हो गया जो इनकी हालत ये हो गई है। तो उसके फादर ना उसको जो है अश्योर करते हैं, कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं रहने दूंगा, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ काम वाम ढूंढूंगा और पहले तो उसको बॉडी पे कुछ फ्लैश लेकर आऊँगा, यानी कि उसे खिलाएंगे अच्छे से, उसको हेल्दी बनाएंगे, और तुम चिंता मत करो अभी जब वो नहा के आएगा ना तो उसकी सारी ट्रैम्प मैनर्स चली जाएंगे। ट्रैम्प मतलब वो सड़कों पर रह के ऐसे हो गए हैं, बट अभी जब नहा के आएंगे तो बिल्कुल वो ऐसे ही मेरा दोस्त वो कैप्टन स्टाइल में आएगा, यू डोंट वरी। अब ऐसा ही होता है, थोड़ी देर बाद जो है वो नहा के आता है, वैले जो था उनका उन्होंने शेव कर दी थी रैट सेलर की और उसको जो है सूट पहना दिया था बहुत अच्छा सा, किसका सूट था वो आयरन मास्टर को, उसे जूते पहना दिए थे, शेव वेव कर दी थी। और अब जब दिन में बिल्कुल ही सनलाइट में जो है सामने आता है रैट ट्रैप सेलर किसके, हमारे आयरन मास्टर के, तो वो अब पहचान जाते हैं कि अरे ये मेरा दोस्त नहीं है। रात को तो वो फर्नेस की आग में और उसकी हालत में वो उसको जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरा दोस्त है, बट जब अब वो देखते हैं तो वो कहते हैं व्हाट इज़ दिस, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो वो कहता है अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं वापस चला जाता हूँ। तो बेसिकली वो समझ जाता है कौन रैट ट्रैप सेलर, कि ये मुझे पहचान गए हैं कि मैं इनका दोस्त तो नहीं हूँ। तो वो कहता है, वो ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं करता हाइड करने की फैक्ट को कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, कहता है सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वापस चला जाता हूँ। पर आयरन मास्टर को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं अब तो तुम्हें शेरिफ ही बताएगा तुम्हें कहाँ जाना है। शेरिफ कौन, मतलब कि वो उसे धमकी देते कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब इसी बात पर हमारा जो ये रैट ट्रैप सेलर है अपना वो फिलॉसफी बताने लगता है, ऐसे टेबल पर हाथ रखता है और कहता है देखो अगर आज आप मुझे शेरिफ के पास भेजोगे, आज अगर आज आप मुझे जेल में डलवाओगे और जैसे आज आपकी वजह से मैं रैट ट्रैप में बंद हो रहा हूँ वैसे एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। पूरी दुनिया ही ऐसी होती है, ये पूरे वर्ल्ड में सबको अलग अलग बेट्स मिलते हैं, जैसे आज मुझे मिले मैं रैट ट्रैप में बंद हो गया हूँ वैसे आप भी एक दिन रैट ट्रैप में बंद होंगे। और उसकी ये फिलॉसफी सुन के ना हमारे आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है कि ये कैसा ये ट्रैम्प ऐसी बातें कर रहा है फिलॉसफी वाली कि पूरी दुनिया क्या है रैट ट्रैप है ये बेट्स है, उन्हें हंसी आ जाती है। अब वो सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं इसे जेल नहीं डलवाता हूँ, और कहते हैं चलो हम शेरिफ को ना क्रिसमस पे अकेला छोड़ देते हैं। तो बेसिकली वो उसको कह रहे होते हैं कि तुम जाओ, ठीक है। अब यहाँ एडला उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि जिसको उन्होंने इनवाइट करा है इतने प्यार से वो उनको जो है अपने घर से भगा रही है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो कैप्टन नहीं है। तो वो अपने फादर को मना करती है कि नहीं आज हम इन्हें नहीं जाने देंगे। उनके फादर हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या कह रही हूँ, हम क्यों इन्हें अपने घर में रखे जब ये मेरा दोस्त नहीं है। वो कहती है कि नहीं हमने इन्हें बहुत प्यार से बुलाया, हमने इन्हें क्रिसमस का जो डिनर है वो प्रॉमिस करा, आज के दिन पर क्रिसमस के दिन पर मैं
इन्हें जो है ऐसे घर से बाहर नहीं भेजूंगी, जब हमने इन्हें खुद प्रॉमिस करा था डिनर। उनके फादर मना भी करते हैं बट वो कहती है आप खुद इमेजिन करो, क्रिसमस का दिन है, एक दिन अगर ये हमारे यहाँ पे रह लेंगे तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे जैसे तैसे करके वो अपने फादर को मना लेती है। तो उसके फादर उसे कहते हैं यू टीच वर्ड्स देन अ पार्सन, यू प्रीच वर्ड्स देन अ पार्सन। मतलब कि पार्सन पता है आपको जो फादर होते हैं पादरी होते हैं चर्च के, तो वो समझाते हैं ना, प्रीचिंग करते हैं, तो वो मान जाते हैं अपनी बेटी के बात को, स्ट्रैम को पहचानने के बाद भी उसको क्रिसमस पे अपने घर में रुकाने के लिए। तो इसलिए वो अपनी बेटी को कहते हैं तुम तो पार्सन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रीच करती हो। तो वो रख लेते हैं उनको ट्रैम को अपने घर पे, और जो है वो ट्रैम को ले जाके बिठाती है डिनर टेबल पे एंड उनको खाना खिला देती है। ऐसे ही पूरा दिन निकलता रहता है। जो हमारा वो ट्रैम था वो पूरा दिन कुछ नहीं करता है, वो वहाँ पे उनके घर में सोता रहता है। बस जब खाने का टाइम था तो वो उसको खाना दे देते हैं, वो खाना खा लेता है, बाकी पूरा दिन हमारा जो ये पेडलर है ये सोता रहता है। ठीक है, अब जो है रात का टाइम होता है, वो बुलाते हैं उसको, वो कैंडल लाइट्स करते हैं क्रिसमस ट्री की, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा नीचे आते हैं डिनर के टाइम पे। और तब एडला जो है हमारे इस रैटअप सेलर को ये भी बता देती है कि ये जो सूट है आप रख लीजिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए क्या है, ये एक क्रिसमस का गिफ्ट है। ठीक है, अब गाइस पूरा दिन आप समझ गए जो ये हमारा रैटअप पेडलर है ना सोता ही रहता है। बेसिकली वो क्यों सोता है, ऐसा पहली बार हुआ था गाइस कि उसको ना चैन की नींद मिली थी सोने के लिए। आज से पहले कभी उसने चैन की नींद लेके नहीं सोया था, वो हमेशा सड़कों पर अलर्ट मोड में सोता था कि जो है उसका घर नहीं था अपना कोई, इसलिए पहली बार वो इतने चैन की नींद सोया था। डन। अब अगला दिन हो जाता है सुबह सुबह, जो है जो बेटी है और जो उनके फादर है एडला और उनके फादर कहाँ चले जाते हैं, क्रिसमस की प्रेयर्स के लिए चर्च चले जाते हैं। और वो रैटअप सेलर जो था उसको सोया रहने देते हैं कि भैया इसे क्यों डिस्टर्ब करें। ठीक है, वो वहाँ चर्च जाते हैं। अब जब चर्च से वापस उनकी गाड़ी आ रही होती है, 10 बजे की बात है ये, तो एडला का फेस ऐसे बिल्कुल ही डिजेक्टेड, ऐसे वो मुंह बना के बैठी होती है, बड़ी परेशान। पता है वो क्यों परेशान थी, उसको वहाँ चर्च में पता चल गया था कि ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पे चोरी हुई है, एक रैटअप बेचने वाले ने क्या करा है उसके घर से 30 करोड़ चुरा लिए हैं। तो अब भैया उसको फादर को समझ में आ गया कि जिसको उन्होंने अपने घर में रुकवाया है वो चोर है, तो अपनी बेटी को भी कहते हैं देखो तुमने ट्रस्ट करा उसको, वो तो एक चोर निकला, पता नहीं हमारे घर से कितने सिल्वरवेयर, हमारे घर से पता नहीं कितने चांदी के बर्तन चोरी हुए होंगे। वो घर पहुंचते हैं, वो जो अपना वैले होता है उससे पूछते हैं वो कहाँ है, तो वैले बताता है और आइडर मास्टर वैले को भी बता देते हैं कि वो तो चोर था, वो चोरी करके आया था वहाँ से। तो वैले बताता है कि नहीं वो जो रैटअप सेलर है वो तो चला गया है। ठीक है, और जाते जाते वो एक गिफ्ट भी छोड़ के गया, और वो गिफ्ट किसके लिए था, एडला के लिए था। नाउ दिस इज़ द वेरी, आप कह सकते हो सबसे स्पेशल मोमेंट है ये हमारे चैप्टर का, जो हमें बहुत बड़ा मैसेज एंड सीख भी देने वाला है। क्या है सुनो, तो वो जाते जाते गिफ्ट छोड़ के जाता है हमारी एडला के लिए। गिफ्ट क्या होता है, एक ऐसा ही उसने रैप कर दिया होता है, तो जैसे ही एडला उसे खोलती है एकदम से उसे पूरा गिफ्ट दिखाई दे जाता है। क्या होता है, एक छोटा सा चूहे का पिंजरा होता है, और उस चूहे के पिंजरे में क्या होता है, वो 30 क्रोनर होते हैं जो उसने चुराए होते हैं ना, वो वहाँ रख देता है। और साथ में एक लेटर होता है, लेटर में उसने जो है एडला को थैंक यू करा होता है अपने आप को कैप्टन की तरह ट्रीट करने के लिए। वो कहता है कि ये 30 करोनर ना उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर देना जिसने ये बेट की तरह अपने विंडो पे जो है लगा रखे हैं हमारे जैसे पुअर लोगों के लिए, तो ये तुम प्लीज़ उसको वापस कर देना, और थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट करा, इवन दो मैं कैप्टन नहीं था, तो मैं भी कैप्टन की तरह ही ये पैसे वापस कर रहा हूँ। थैंक यू तुमने एक रैट को, एक चूहे को रैट ट्रैप में जो है फंसने से बचा लिया इस वर्ल्ड के, क्योंकि तुमने मुझे पावर दी कि मैं अपने कॉन्साइंस को क्लियर कर पाऊँ, मैं अपने मन को साफ कर पाऊँ, मैं अपनी गलती को सुधार पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लेटर एंड हो जाता है, चैप्टर भी एंड हो जाता है। और वो लास्ट में पता है साइन कैसे करता है हमारा ट्रैम्प या आपका रैटअप सेलर, कुछ भी बोल दो उसको, बोलता है क्या साइन करता है, कैप्टन मॉन्स्टेल, वो जो उनके दोस्त का नाम था ना जो आयरन मास्टर समझते हैं, उसी नाम से अपना साइन कर देता है, कैप्टन वॉन्स्टेल। क्यों करता है, क्योंकि एडला ने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट करा तो उसने भी कैप्टन की तरह रिप्लाई करा, उसने भी कैप्टन की तरह पैसे लौटा दिए और एडला को थैंक यू करा कि तुमने मुझे पावर दी कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, कि मुझे इस दुनिया के रैटअप में नहीं फंसना है, मुझे चोर नहीं बनना है। थैंक यू करता है एडला को, और यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर की यूनिवर्सल थीम क्या है, मैसेज क्या है, कि देखो आपकी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस सामने वाले के अंदर की अच्छाई बाहर ला सकती है। एडला ने एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करा, क्या कि क्रिसमस के दिन पे जिसको हम अपने घर इतने अच्छे से बुला के लाए हैं, चाहे वो कोई भी, हम इसे जाने नहीं देंगे। ठीक है, हम क्रिसमस के दिन इनको अपने यहाँ पे रखेंगे, कैप्टन की तरह उन्हें ट्रीट करा, बाद में भी क्या बहुत अच्छे से ट्रीट करा। तो इसलिए जो है अंदर की अच्छाई किसकी बाहर आ गई, हमारे रैटअप सेलर की, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको ऐसे ही
अच्छे तरीके से अगला चैप्टर पढ़ा दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी है मैंने क्लास 12 इंग्लिश की, जहाँ से आप सारे चैप्टर डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो गाइस। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो इज ऑल्सो गिवन ऑन माय चैनल, ठीक है। तो दिस वाज फॉर योर रिवीजन। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है वो भी गिवन है, राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करना है वो भी गिवन है, रीडिंग सेक्शन भी गिवन है। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट।